अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर के करीब मैंने लिया है दूध, और उसको मैंने हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रख दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, जब दूध गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। यहाँ पे 1 कटोरी के करीब मैंने लिया है शक्कर। आप जिस हिसाब से मीठा डाक खाते हैं उस हिसाब से आप शक्कर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसको पकने देंगे। तो चलिए हम दूसरी तरफ अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून के करीब लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको मैंने 1 कटोरी में निकाल लिया है। अब इसको हम दूध डाल के इसको एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। जो दूध हम डालेंगे इसमें वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। और ये देखिए दूसरी तरफ हमारा दूध जो है वो बॉइल्ड होने लगा था। तो अब ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे और एक हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। जैसे कि आप बराबर चम्मच चलाते रहिएगा कि जैसे इसमें लम्स ना पड़े, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कस्टर्ड कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे पेस्ट बना के डालिएगा, डायरेक्ट पाउडर मत डालिएगा वरना गुलसियाँ पड़ जाएगी। तो हम इसको स्लो फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसको पकने दीजिए। देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है। बस मुझे इतना ही इसका थिकनेस चाहिए। अगर आप और ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप और देर इसको पका सकते हैं। इसको एक बॉल में निकाल के फिर ठंडा होने के लिए फ्रिज में डाल दिएंगे हम। और ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। अच्छा, अब उसमें हम अपने पसंद के हिसाब से फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एप्पल लिया है एक, उसको बारीक चॉप्ड कर लिया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फल ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ अनार, थोड़ा सा मैंने बचा लिया क्योंकि ऊपर से मैं गार्निशिंग करूँगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो थोड़े अनार हमने बचाए हुए थे उसको ऊपर से डालेंगे। बस ये हमारा यम्मी सा कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ईजी है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।